प्रातः वंदन। आज हम कक्षा नौमी और कक्षा दसवीं, नवम कक्षाया एवं दशम कक्षाया, इसके अंतर्गत व्याकरण विधि जो है उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए आइए पढ़ते हैं। जैसे कि बच्चों आप सब जान रहे हैं, संधियां पढ़ी और समझी, संधियां को पढ़ाया गया। अब इसके बाद आता है शब्द रूप सामान्य परिचय। ये है आपका चतुर्थ अध्याय और आज हम पढ़ने वाले हैं शब्द रूप क्या होते हैं। वाक्य की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? शब्द। वाक्य की सबसे छोटी इकाई को शब्द कहते हैं। शब्दों के अनेक रूप, कौन कौन से रूप? जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि होते हैं। शब्दों के अनेक रूप कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण आदि होते हैं। व्याकरण की भाषा में क्रिया पदों को छोड़कर वाक्य के अन्य पदों को नाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाम कहा जाता है। इस प्रकार किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, क्रिया आदि का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, भाव माने क्रिया आदि का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संस्कृत भाषा में प्रयोग करने के लिए इन शब्दों को क्या कहा, क्या किया जाता है? पद बनाया जाता है। संस्कृत भाषा में प्रयोग करने के लिए इन शब्दों को पद बनाया जाता है। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों को पद बनाने हेतु इसमें क्या किया जाता है? प्रथमा, द्वितीया आदि विभक्तियां लगाई जाती हैं। इन शब्द रूपों यानी पदों का प्रयोग क्या किया जाता है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग तथा एकवचन, द्विवचन और बहुवचन में भिन्न भिन्न रूपों में होता है। इन्हें सामान्यतः क्या कहा जाता है? शब्द रूप ही कहा जाता है। जैसे कि आप सब जानते होंगे, संस्कृत में तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन एक व्यक्ति के लिए, दो वचन दो के लिए और बहुवचन बहुत सारे के। विभक्तियां कितनी होती हैं? विभक्तियां सात होती हैं। लिंग तीन, कौन कौन से? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। चलिए आगे पढ़ते हैं। यहां समझिए, दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर जो रूप सामने आता है उसे पद या शब्द कहा जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वाक्य की सबसे छोटी इकाई को शब्द कहते हैं। वाक्य की सबसे छोटी इकाई को शब्द कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में लिंग के अनुसार तथा शब्दों के अंत में विद्वान क्या स्वर या व्यंजन के आधार पर परिवर्तन होता है। जिस प्रकार से हिंदी भाषा में देखिए क्या होता है, कर्ता, कर्म, करण आदि कारकों का संबंध दिखाने के लिए जैसे ने, जैसे बालक ने, बालिका ने या बालिका को, या से है ना, बालिका ने, जैसे ने दिया को यानी बालक को, फिर से दिया है तो बालक से, इस प्रकार के आदि चिन्ह संज्ञा, सर्वनाम आदि में लगाए जाते हैं। उसी प्रकार संस्कृत भाषा में इन संबंधों को दिखाने के लिए विभिन्न विभक्तियों के रूप बनाए जाते हैं। संस्कृत में हिंदी की तरह अलग से कोई चिन्ह नहीं लगाते हैं, जैसे ये हिंदी भाषा और जो संस्कृत भाषा। अब देखिए यहाँ कोई चिन्ह नहीं है। अब जैसे यहाँ चिन्ह लगा है हिंदी भाषा में, जैसे बालक ने, बालक को, बालक से, लेकिन यहाँ देखिए नहीं लगा। क्या लिखा है? बालकम, बालकम, बालक। ठीक है, तो संस्कृत में हिंदी भाषा की तरह कोई अलग से चिन्ह नहीं लगाए जाते हैं।
और इस प्रकार से क्या किया जाता है, संस्कृत भाषा में इन संबंधों को दिखाने के लिए विभिन्न विभक्तियों के रूप बनाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। अब देखिए ये प्रत्यय शब्दों के साथ जुड़कर अनेक रूप बनाते हैं। इन विभक्तियों के अतिरिक्त संबोधन के लिए भी प्रथमा विभक्ति के ही प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। ये प्रत्यय शब्दों के साथ जुड़कर अनेक रूप बनाते हैं। देखिए जो बिना प्रत्यय के नहीं बन सकता, कैसे, प्रत्यय शब्दों के साथ जुड़कर रूप बनाते हैं और विभक्तियों के अतिरिक्त संबोधन के लिए प्रथमा विभक्ति के प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। किंतु संबोधन एक वचन में प्रथमा एक वचन से रूपों में अंतर होता है। रूप निर्देश से रूप भेद को स्पष्ट किया गया है। रूप जो निर्देश से रूप भेद को स्पष्ट किया, शब्दों के विभिन्न रूपों में भेद होने के कारण संज्ञा आदि शब्दों को तीन वर्गों में विभक्त किया जा सकता। पहला आता है संज्ञा शब्द, दूसरा सर्वनाम शब्द, फिर आता है संख्यावाचक शब्द। तो संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द और संख्यावाचक शब्द, संज्ञा शब्दों के अंत में, किनके, संज्ञा शब्दों के अंत में स्वर अथवा व्यंजन होने के कारण इन्हें पुनः दो वर्गों में रखा जा सकता है। कौन कौन से वो दो वर्ग हैं, चलिए देखते हैं। पहला आता है स्वरान यानी अजंत। स्वरान अजंत अर्थात जिन शब्दों के अंत में, देखिए ध्यान से समझिए, जिन शब्दों के अंत में क्या अ अ ई ई आदि स्वर होते हैं उन्हें स्वरांत कहा जाता है। इनका वर्गीकरण इस प्रकार है, जैसे अकारान आकारान इकारान ईकारान उकारान उकारान। ठीक, अब आता है यहाँ रुकारान एकारान ओकारान तथा औकारान आदि। आप उदाहरण समझे, जैसे बालक गुरु कवि नदी लता पित्र गो आदि, ये सब इस प्रकार के जो रूप इसके बनेंगे। अब आता है व्यंजनांश हलंत। जिन शब्दों के अंत में, चूंकि व्यंजन क्या है, का का गा गा है ना, ये व्यंजन स्वर अ अ ई ई आप लोगों को मालूम है। जिन शब्दों के अंत में क च ट त आदि व्यंजन होते हैं उन्हें व्यंजनांत कहा जाता है। ग ज्ञा ण या इन व्यंजनों को छोड़कर प्राय सभी व्यंजनों से अंत होने वाले शब्द पाए जाते हैं। इनमें भी च ज त ध ध न श श सा और ह व्यंजनों से अंत होने वाले शब्द अधिकतर प्रयुक्त होते हैं। अतः इनकी गणना चकारान है ना, चकारान यानी च जकारान ज तकारान त दकारान द धकारान ध नकारान न फिर है पकारान पा भकारान भ रकारान वकारान और शकारान शकारान सकारान हकारान आदि रूपों में की जाती है। यथा जैसे जल मुच बुभृत श्रीमत जगत राजन देश पयस आदि। ये हमने पढ़ाया आपको स्वरांत और व्यंजनांत करने जो दिए गए हैं। आगे पढ़ते हैं, यहां अकारान पुल्लिंग यानी बालक, अकारान स्त्रीलिंग यानी बालिका, अकारान नपुंसक लिंग फल और नकारान पुल्लिंग राजन शब्दों के विभिन्न विभक्तियों के रूप दिए जाते हैं। जैसे सबसे पहला दिया है अकारान पुल्लिंग शब्द बाहु, तो इसमें पहले आता विभक्ति,
एक वचन, द्वि वचन और बहुवचन। जैसे इसमें दिया है प्रथमा, प्रथमा क्या दिया है यानी कर्ता, तो बालका बालकौ बालिका, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है द्वितीय, द्वितीय माने कर्म, बालकम बालकौ बालिका। फिर दिया है तृतीय, तो कर्ता ने कर्म को, तृतीय क्या आएगा करण, यानी बालके बालकाभ्याम बालकै। फिर है चतुर्थी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कर्ता, कर्म, करण, फिर है चतुर्थी, चतुर्थी में क्या आएगा संप्रदान, चतुर्थी में क्या आएगा संप्रदान, यानी बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः। फिर क्या आता है संप्रदान के बाद क्या आता है अपादान, है ना, संप्रदान फिर आता है अपादान, अपादान में आएगा तो बालका बालकाभ्याम बालकेभ्यः। फिर इसके बाद आता है षष्ठी, क्या आएगा षष्ठी, ठीक है ना। तो षष्ठी में क्या आएगा संबंध, यानी किससे किसका संबंध, तो संबंध को करने के लिए क्या आएगा बालकस्य बालकयो बालकनाम, ठीक। तो इस प्रकार से तो हमने क्या बताया कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध। आप सप्तमी में क्या आएगा अधिकरण, यानी बालके बालकयो बालकेषु, संबोधन में क्या आएगा हे बालक हे बालको हे बालिका। इसी प्रकार से जो रूप चलेंगे चलेंगे वृक्ष, अध्यापक, छात्र, नर, देव आदि सभी अकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप इस प्रकार के होंगे। तो कर्ता, जैसे कि अभी हमने आपको बताया कर्ता, कर्ता या नहीं कर्ता ने, जैसे राम है ना करने वाला, करने वाले को क्या कहते हैं कर्ता। अब इसके बाद आता है करने वाले को क्या कहते हैं, अभी हमने आपको समझाया प्रथमा कर्ता यानी राम, जैसे राम है ना, तो यहाँ पे यहाँ क्या आ गया तो कर्ता हो गया। फिर क्या आता है कर्म, द्वितीय हमने बताया कर्म, जैसे राम खाना खा रहा है या जिस प्रकार इसमें किस प्रकार से आएगा तो कर्म यानी जिसके द्वारा जिसको वो चाहता है, कर्म मतलब जो उसके द्वारा चाहा गया है, ठीक है। फिर तृतीय करण, ठीक है ना। तो इस प्रकार से प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन, तो कर्ता कर्म, फिर इसके बाद क्या आएगा कर्ता कर्म करण संप्रदान, फिर अपादान संबंध और अधिकरण, है ना। अधिकरण में क्या इस प्रकार से ये जो रूप बने, जो विभक्तियां हमने पढ़ी है तीन वचन पढ़े, तो विभक्तियों के हिसाब से तो जैसे एक के लिए तो बालिका, दो के लिए तो बालको, और बहुवचन यानी बहुत सारे उसके लिए होता है ना। तो इस प्रकार से ये रूप बनाए जाते हैं, और जो नीचे दिया वो समझाया हमने किस प्रकार से इनके भी वृक्ष अध्यापक इनके रूप चलेंगे। चलिए आगे देखते हैं, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द इसी प्रकार से जैसे विभक्ति एक वचन द्वि वचन और बहुवचन। तो यहाँ पर देखिए प्रथमा बालिका बालिके बालिका, द्वितीय बालिका बालिके बालिका, तृतीय बालिकाया बालिकाभ्याम बालिकी बालिका भी, चतुर्थी बालिकाए बालिकाभ्याम बालिकाभ्याः, पंचमी बालिकाया बालिकाभ्याम बालिकाभ्याः, षष्ठी बालिकाया बालिकयो बालिकानाम, सप्तमी बालिकायाम बालिकयो बालिकासु, संबोधन क्या है हे बालक हे बालिके हे बालिके हे बालिका। जब भी आपको इन रूपों को क्या करना पड़ेगा याद करना पड़ेगा, इसलिए आप, और इसके बाद ये जो लता बाला विद्या आदि सभी अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के जो रूप हैं वह इसी प्रकार के होंगे, ठीक। तो इस प्रकार से जो शब्द रूप हैं इनको सुप भी कहते हैं, क्या कहते हैं सुप, सुप माने होता है शब्द रूप। चलिए आगे पढ़ते हैं, अब यहाँ देखिए अकारांत नपुंसकलिंग शब्द फल, यहाँ भी विभक्ति एक वचन द्वि वचन और बहुवचन। आप देखिए इसमें हम पढ़ रहे हैं नपुंसकलिंग, प्रथमा फलम फले फलानी, द्वितीय फलम फले फलानी, तृतीय फले फलाभ्याम फलै, चतुर्थी फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः, पंचमी फला फलाभ्याम फलेभ्यः, षष्ठी फलस्य फलयो फलानाम, सप्तमी फले फलयो फलेषु, संबोधन हे फलम हे फले हे फलान। अब यहाँ पर देखिए टिप्पणी, अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों के तृतीय विभक्ति से
सप्तमी विभक्ति तत्व में जो रूप है वह अकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूपों की भांति ही होते हैं। इस प्रकार अकारांत नपुंसकलिंग शब्द जैसे मित, वन, अरण्य, मुख, कमल, पुष्प है ना आदि के जो रूप है इसी प्रकार से हो गए। जैसे कि मैंने आपको समझाया कि जो प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी अभी मैंने आपको बताया कि कर्ता ने कर्म को करण से है ना, फिर संप्रदान संप्रदान के लिए अपादान से संबंध, जैसे किसी को संबंध माने से मतलब किसी से जो भी संबंध, जैसे कोई भी आप एक शब्द ले सकते हैं तो संबंध बताने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, और अधिकरण यानी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जब भी कोई कर्ता कार रहेगा तो उसमें प्रथमा विभक्ति लगेगी, तो अब उसमें प्रथमा विभक्ति में ये देखना है कि एक वचन में है कि द्वि वचन में है कि बहुवचन में है, ठीक है, उस प्रकार से इनके रूप लगेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए नकारांत पुल्लिंग शब्द राजन, ठीक है ना, नकारांत पुल्लिंग शब्द क्या आ जाएगा, राजन। इस प्रकार से इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। इस प्रकार विभक्ति यहाँ देखिए एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथमा राजा राजानौ राजानाः, द्वितीया राजानम राजानौ राज्ञः, तृतीया राज्ञः राजाभ्याम राजेभ्यः, चतुर्थी राज्ञे राजाभ्याम राजेभ्यः, पंचमी राज्ञः राजाभ्याम राजेभ्यः, षष्ठी राज्ञः राज्ञो राज्ञानाम, सप्तमी क्या दी है, राज्ञी या कोई भी एक शब्द आप लिख सकते हैं राजनी, फिर राज्ञ हो और राजसु। संबोधन हे राजन हे राजानव हे राजन, देखिए ना ना यानी नकारांत पुल्लिंग शब्द दिया है, राजन शब्द की हमने पढ़े, आगे पढ़ते हैं। अब आता है पाठ्यक्रम में निर्धारित अन्य शब्दों के परिशिष्ट रूप में दिए गए हैं, अतः जो स्वरांत व्यंजनांत समान शब्दों के रूप परिशिष्ट में दृष्टव्य आपकी बुक में दिए, जैसे ये स्वरांत तो इतने ये सारे रूप जो है इसमें दिए गए हैं अलग अलग, ठीक है। इसी प्रकार व्यंजन के दिए गए हैं जितने भी ये रूप है ये सब विभक्ति रूप, और सर्वनाम के पूरे दिए गए हैं, और संख्या शब्द के भी दिए गए हैं पूरे उसके रूपों के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए कोष्ठके प्रदत्त पदानाम समुचित विभक्ति प्रयोगे वाक्यानि पूर्यत, तो इस प्रकार से इसको क्या करना है, पढ़ना और इस प्रकार जैसे ये दिया है ना, तो कोष्ठक में जो समुचित विभक्ति का प्रयोग करके जो विभक्ति दी है उसका प्रयोग करके उस वाक्य को पूरा करना। जैसे खालिस्तान दिए ना जन्म पवित्र वर्तते, अब यहाँ दिया है गंगा षष्ठी एक वचन। अब आप देखिए यहाँ पर देखिए मैंने उत्तर दिया है गंगाया है, क्या आएगा गंगाया, इदम कार्यम प्रथम तो क्या है बालिका, ये तृतीय बहुवचन में बना तो क्या आएगा बालिका भी, ठीक। फिर खालिस्तान आता है भान उदयती तो गगन की क्या है सप्तमी एक वचन, क्या है गगन की गगने, यहाँ पर दिया है गगने। फिर इसे दुग्धम मधुरम भवती तो किसका धैनु की षष्ठी एक वचन में बनाना है तो क्या जाएगा धैनु, ठीक है। फिर नौकायाम तरती तो नदी में ही नौका तैरती तो नदी की कौन सी आएगी इसमें नदी की एक वचन तो क्या जाएगा नदी द्वितीय एक वचन, द्वितीय विभक्ति बनाना है द्वितीय विभक्ति की एक वचन तो क्या आ जाएगा यहाँ पर नदी, ठीक है ये नदी मा जाएगा। फिर है वचांसी सम्माननीय यानी सम्माननी यानी विध्वंस है, ये जो विध्वंस विध्वंस षष्ठी बहुवचन है इसको बनाना है तो क्या आएगा विदुषा, ठीक है। फिर उपगम्य किम करोति तो इसमें भवत पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति का एक वचन तो क्या जाएगा भवंतम। बालके पुष्पम त्रोटितम तो ये गच्छत जो आएगा इसकी तृतीय एक वचन तो क्या आएगा गच्छता। बालकेभ्य आचार्य पुस्तकानि आन्य, ठीक है इसको पुल्लिंग चतुर्थी बहुवचन में आएगा तो क्या जाएगा एतत् का एतेभ्य। फिर इसी प्रकार बालिका ज्ञाने क्रीडंती इसको स्त्रीलिंग प्रथमा बहुवचन तक तो क्या आएगा ता। इस प्रकार से इसको आपको अपनी कॉपी में लिखना है और याद भी करना है। आप देखिए यहाँ पर प्रश्न दूसरा है कोष्ठ के प्रदत्त पदाभ्य
पदेभ्यः समुचित पदम चित्वा वाक्यानि पूर्य। अब आपको इसमें भी क्या करना है, जो इसमें है जो कोष्टक में शब्द दिए हैं इस प्रकार से, जैसे दिया है उत्तम कार्याणि कुर्मः, ठीक है। आप इसमें देखिए तो क्या आएगा, इसमें वयम या यूयम या ते, तीन ऑप्शन इसमें दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए उत्तर दिया, यहाँ पर आएगा सबसे पहले वयम, फिर प्रकाशवत ग्रीष्मकालीन प्रचंड भानुना भानु या भानु, तो क्या आएगा भानु। फिर दिया है कि शीतल शीतलता ग्रीष्मकाले सर्वेभ्य रोचते, तो चंद्रमसे चंद्रमसा चंद्रमसा, तो क्या आएगा चंद्रमसा, ठीक है। बहवा गुणा संति, तो क्या आएगा मधु मधुने या मधुनी, तो क्या आएगा इसमें मधुनी, ठीक। तपसा फलम लभन्ते, तो किसमें मुनि या मुनि या मुनिया, किसमें क्या आएगा मुनिया शब्द आएगा। फिर उत्तम बालिका खालिस्थान सेवन्ते, तो उत्तम जो बालिका है ना, तो मातरम मात्रे या मातरी, तो क्या आएगा मातरम मातरम शब्द आएगा। खालिस्थान कार्य का छम, तो अस्मात या अस्य या अस्मिन शब्द कौन सा आएगा इसमें खालिस्थान, तो अस्मिन कार्य का छम है ना, अस्मिन आएगा। विद्या खालिस्थान शोभते नहीं धनम, क्या आएगा राज्ञा राजसु या राज्ञ, तो इसमें सबसे आएगा राजसु। खालिस्थान बालिकाम अत्र अभ्यम सर्वेशाम सर्व या सर्वान, क्या आएगा इसमें जाएगा सर्वान। खालिस्थान सन्मार्ग प्रदर्शयन्ति, तो किस में क्या आएगा साधु साधव साधु साधु या साधव, तीन दिए हैं साधु साधु और साधव, तो इसमें आएगा साधव, ठीक है। इस प्रकार से बच्चों आपको हमने यहाँ पर व्याकरण शब्द रूप पढ़ाए और समझाए, तो आपको अपनी कॉपी में लिखना है और लिखने के साथ उनको याद भी करना है। धन्यवाद।